हेलो फ्रेंड्स वेलकम ऑल ऑफ यू टू जागृति ऑनलाइन क्लासेस मैं लोकेश आपका फिजिक्स एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं जागृति क्लासेस की ऑनलाइन फिजिक्स लेक्चर सीरीज में गाइस लास्ट क्लास में हमने ग्राफिकल मेथड से ग्राफ्स देख लिए थे वेरियस काइनामेटिक्स ग्राफ्स देखे थे और वहां पर हमारा जो चैप्टर था थर्ड चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वो एंड हो जाता है नेक्स्ट हमारा जो यहां पर आज चैप्टर स्टार्ट हो रहा है देखिए फ्रेश चैप्टर है बहुत अच्छा चैप्टर है बहुत हेल्पफुल भी है ठीक है वो है मोशन इन अ प्लेन मोशन इन अ प्लेन चैप्टर नंबर फोर मोशन इन अ प्लेन देखिए मोशन इन अ प्लेन को हम मोशन इन टू डायमेंशन भी बोल सकते हैं सॉरी मोशन इन टू डायमेंशन प्लेन का मतलब टू डायमेंशन या टू डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही होता है तो टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी पार्टिकल का उस मोशन को हम बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन कौन कौन से कैसे मोशन होते हैं कितने टाइप्स के मोशन होते हैं उन सब के बारे में हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे क्लियर है आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक चलेगा यहां पर ठीक है मोशन इन अ प्लेन चैप्टर के अंदर वो चलेगा वैक्टर्स पहले हम बात करेंगे वेक्टर एंड स्केलर्स पर वेक्टर एंड स्केलर्स पर क्योंकि टू डी मोशन या मोशन प्लेन में ठीक है वेक्टर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है देखिए क्या होता है वेक्टर और क्या होता है स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज हमने बात की थी गाइस फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं इनको हम दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं पहली होती है स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरी होती है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज फर्स्ट चैप्टर में भी हम फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं जो कि होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्लियर लेकिन वहां पर जब हम फिजिकल क्वांटिटीज को ब्रेक करते हैं तो वो होता है इन सेंस ऑफ देयर डिपेंडेंसी फॉर देयर मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं और कौन सी नहीं करती हैं फॉर देयर मेजरमेंट क्लियर इस सेंस में हम उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं यहां पर हम डिवाइड करते हैं इन सेंस ऑफ देयर डायरेक्शन या नॉलेज ऑफ डायरेक्शन किन फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करने में डायरेक्शन की नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है इंपॉर्टेंट होती है और कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करने में डायरेक्शन की नॉलेज इंपॉर्टेंस नहीं रखती इस सेंस में हम दो फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं देखिए फर्स्ट वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं देखिए फर्स्ट स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं दो क्वांटिटीज दो फिजिकल क्वांटिटीज विच ओनली रिक्वायर्स ओनली रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड विथ यूनिट और देयर Complete representation for their complete representation. Those physical quantities which only require magnitude for their complete representation, and there is no sense of direction. आर कॉड स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉड स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज क्या है those physical quantities which requires magnitude for their complete representation and there is no sense of direction are called scalar physical quantities jaise ki example mass 5 kg अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर करता हूं तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा with magnitude numeric value and unit मास किसी ऑब्जेक्ट का क्या है फाइव के क्या हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मास मेजर करते टाइम ये बोलेंगे क्या दैट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फाइव के इन फॉरवर्ड डायरेक्शन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फाइव के इन नॉर्थ डायरेक्शन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट फाइव के जी इन बैकवर्ड डायरेक्शन बिल्कुल नहीं क्लियर है क्योंकि क्या डायरेक्शन सेंस रखती है क्या मेजरमेंट ऑफ मास में बिल्कुल नहीं रखती मास को मेजर करने के टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से ही लेना देना होता है डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता आप ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में रहकर आप उसका मास मेजर करें आपको सेम रिजल्ट मिलता है क्या मिलता है गाइस सेम रिजल्ट मिलता है डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस यहां पर नहीं है डायरेक्शन चेंज कर देने पर मास की वैल्यू किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए चेंज नहीं हो जाती देर फोर मास इज वॉट मास इज एन स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या आपको मेरी बात समझ में आई क्लियर है तो मास यहां पर क्या है स्केलर फिजिकल मास का रिप्रेजेंटेशन फाइव के जी से हो जाता है मास का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आपको फाइव के जी टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन इस तरह से स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है क्लियर डेयर फोर मास इज वॉट स्केलर फिजिकल क्वांटिटी तो मास जो है यहां पर स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है इसी तरह से फिजिक्स के अंदर बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती डायरेक्शन का कोई सेंस वहां पर इंपॉर्टेंस नहीं रखता ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि मास लेंथ टाइम एनर्जी वर्क टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट सेक्टर ये सारे ही एग्जाम्पल किसके हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज के और भी एग्जाम्पल्स होंगे आपके पास आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको मेजर करते समय डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस नहीं होती डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं होता ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्लियर चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर फिजिकल क्वांटिटीज Vector Physical Quantity Definition Those Physical Quantities which requires magnitude as well as direction magnitude as well as direction for their complete representation for their complete representation are called are called vector फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड बैक्टर फिजिकल क्वांटिटीज तो देखिए डिफरेंस क्लियर होगा आपको डेफिनेशन से दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन आर कॉल्ड वैक्टर फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की नॉलेज भी रिक्वायर्ड होती है ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज कैसे एग्जांपल से देखते हैं देखिए फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है हमारे पास इस तरह का एक बॉक्स है इस बॉक्स पर दो फ्रेंड्स दो फ्रेंड्स हैं दोनों ही क्या कर रहे हैं टेन टेन न्यूटन कॉमा टेन न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं क्या लगा रहे हैं फोर्स लगा रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं दो फोर्सेस हैं दो फ्रेंड्स हैं पर दोनों फ्रेंड्स मिलकर के टेन टेन न्यूटन का फोर्स पर लगा रहे हैं तो यहां पर नेट फोर्स जो बॉक्स पर लग रहा होगा नेट फोर्स वो कितना हो रहा होगा आपको खुद समझ में आ रहा होगा आप खुद आंसर देंगे कि सर यहां पर नेट फोर्स लग रहा है ट्वेंटी न्यूटन क्योंकि ये दोनों फोर्सेस ऐड हो जाएंगे बिल्कुल ठीक क्लियर नाउ अगर मैं कह देता हूं कि दोबारा से बॉक्स आपका यही है फ्रेंड्स भी यही है फोर्स भी यही है लेकिन इस बार इनमें झगड़ा हो चुका है और उस झगड़े की वजह से दोनों जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं इज इट क्लियर 10 न्यूटन फोर्स डायरेक्शन से लगा रहा है 10 न्यूटन फोर्स ये इस डायरेक्शन से लगा रहा है देख लीजिए तो इस केस में अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बॉक्स पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा तो आप डायरेक्ट आंसर करेंगे शायद जीरो न्यूटन क्योंकि बॉक्स किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होगा तो क्या डिफरेंस आया दोनों एग्जांपल्स में देखिए कि यहां पर फोर्स दोनों ही फ्रेंड्स मिलकर के बॉक्स पर दोनों ही केस में सेम लगा रहे हैं टेन टेन न्यूटन न्यूटन. 10 -10, लेकिन पहले केस में और दूसरे केस में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है गाइस. यहां पर एक फोर्स लगाने की अप्लाई करने की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो चुकी है डायरेक्शन जो है वो क्या हो चुकी है चेंज हो चुकी है तो उस वजह से फोर्स का जो आपका मैग्नीट्यूड है या आपका फोर्स का रिप्रेजेंटेशन है नेट फोर्स का रिप्रेजेंटेशन भी यहां पर चेंज हो चुका है इसका मतलब अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर नेक्स्ट टाइम फोर्स अप्लाई करता हूं तो मुझे फोर्स के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी डिफाइन करनी बहुत जरूरी है अदरवाइज फोर्स का रिप्रेजेंटेशन जो है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा फोर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसा माना जाएगा इनकम्प्लीट माना जाएगा जब तक आप उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को असाइन नहीं करते इज इट क्लियर डायरेक्शन चेंज करने पर फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है यह आपको समझ में आया देयर फोर फोर्स इज अ वैक्टर फिजिकल क्वांटिटी तो ऐसी और भी वेल क्वांटिटीज होती हैं जो कि डायरेक्शन पर डिपेंड करती हैं। डायरेक्शन का सेंस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सकता है जैसे कि डिस्प्लेसमेंट। हम बात कर चुके हैं इस पर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन मोमेंटम क्लियर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सलरेशन मोमेंटम एटसेट्रा ठीक है एंगुलर मोमेंटम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी ये सब भी क्या होंगे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज में ही कंसिडर होंगे तो ये क्या हो जाएंगे आपके वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल्स वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल्स क्लियर आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट और ये हो जाएंगी आपकी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज और ये हो जाएंगी स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज आइए नाउ हम बात करते हैं देखिए रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर किसी भी वेक्टर या वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता तो पहली चीज ठीक है पहली चीज इनर टू इनर टू और थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम किसी भी वेक्टर को हम कहां बनाएंगे ऐसे ही हवा में नहीं बनाएंगे हवा में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे किसी टू या थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट सिस्टम आप जानते हैं

तो किसी भी वेक्टर को टू या थ्री डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट किया जाता है साथ ही साथ एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट एज अ ट्रेट लाइन विथ एन एरो एरोड एनी वैक्टर कैन बी रिप्रेजेंट बाय बाईज स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड। देखिए कैसे किसी भी वैक्टर को जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख रहे हैं तो एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे विद एन एरो हेड। इसके आगे क्या होगा एरो हेड होगा इसे हम बोलते हैं हेड ऑफ वैक्टर इसे कहा जाता है टेल ऑफ वैक्टर क्टर एंड दिस इज नैक्टर ठीक है फ्रॉम पी टू क्यू तो यह हो जाएगा कुछ पी क्यू वैक्टर सिंबोलिकली जो भी वैक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर एक छोटा सा एरो लगा दीजिए यह इसका सिंबल हो जाएगा वैक्टर क्लियर एरोड यह हो जाएगा फ्री वेयर लेंथ Of straight line represents the magnitude of vector and arrowhead represents the direction. ऑफ वेक्टर. तो गाइज ये होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करना है एक तो टू या थ्री डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में और साथ ही साथ में कैसे एक स्ट्रेट लाइन से विद एन हेड इन फ्रंट ऑफ इट ये हेड का जो लेंथ होगी ये लेंथ किसके इक्वल होगी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के और इसका जो हेड होगा वो क्या बताएगा डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर जैसे कि ये मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स और y इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक एफ वेक्टर अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में तो ये वेक्टर यहां बनेगा या फिर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी के साथ तो उसकी वेलोसिटी अगर आपको रिप्रेजेंट करनी है तो वो वेलोसिटी जैसे कि अगर वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी क्या हो जाएगी वेलोसिटी हो जाएगी इस तरह से हम क्या करते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं देख लीजिए आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट क्लियर चलिए तो यहां तक बात हो जाती है उसके आगे हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, कुछ टाइप्स देखते हैं वेक्टर के वेक्टर कैसे कैसे किन किन टाइप्स के हो सकते हैं तो देखिए इसमें जो फर्स्ट आ रहा है वो आ रहा है इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, पहला टाइप है वेक्टर का इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या होगा दो वैक्टर्स

वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है देख लीजिए दोनों ही वेक्टर्स की लेंथ जो है वो सेम है डायरेक्शन जो है वो सेम है देयर फोर वैक्टर ए इज इक्वल टू वैक्टर बी यहां पर वैक्टर ए इज इक्वल वैक्टर टू वैक्टर बी ये हो जाएगा आपका इक्वल वैक्टर सेकेंड नेगेटिव Vector, or we can say opposite vector, negative vector and opposite vector. A vector, sorry, a vector having equal length but opposite direction vector having equal length but opposite direction to another vector are called are called negative vector आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर क्लियर नेगेटिव वेक्टर और अपोजिट वेक्टर क्या हो जाएगा जैसे कि देखिए एक वेक्टर हमने ये बनाया वेक्टर बी और एक वेक्टर हमने इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और एक वैक्टर हमने ये बनाया वैक्टर ए तो देखिए यहां पर वेक्टर ए और वेक्टर बी की दोनों की लेंथ लगभग लगभग इक्वल है ठीक है बट दोनों के जो डायरेक्शन हेड्स हैं वो ऑपोजिट हैं दोनों के डायरेक्शन और हेड्स जो है वो ऑपोजिट है तो यहां पर कहा जा सकता है वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी मींस वेक्टर बी इज अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर ए क्लियर गाइज इज योर नेगेटिव वैक्टर और ऑपोजिट वैक्टर इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है नोट इसमें एक और चीज नोट करने वाली है इफ एनी वैक्टर रोटेट्स बाय वन एट्टी डिग्री टू इट सेल्फ

आप इसी वेक्टर को क्या करते हैं वेक्टर ए तो है ही है इसको आप 180 डिग्री रोटेट कर देते हैं क्या कर देते हैं 180 डिग्री रोटेट कर देके यहाँ बना देते हैं अगर आप इस वेक्टर ए को 180 डिग्री रोटेट करके ऑपोजिट साइड में लिखते हैं तो यहाँ पर यह लिखा जाएगा माइनस ऑफ ए वैक्टर माइनस ए वैक्टर मतलब अगर किसी भी वैक्टर का नेगेटिव वैक्टर आपको ऑप्टेन करना है किसी भी वेक्टर का गाइस अगर नेगेटिव वेक्टर आपको ऑप्टेन करना है तो आपको उसको 180 डिग्री एंगल से क्या करना होगा रोटेट करना होगा तो आपको ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर मिल जाएगा इफ एनी वेक्टर रोटेट्स बाय 180 डिग्री टू इट्स सेल्फ देन वी गॉट इट्स नेगेटिव वैक्टर ए वैक्टर को अगर वन डिग्री रोटेट कर दिया जाए तो क्या मिलता है नेगेटिव वैक्टर ऑफ ए क्लियर तो ये हो जाएगा आपके पास सॉरी इक्वल वेक्टर्स एंड नेगेटिव वेक्टर्स क्लियर देख लीजिए चलिए आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट वेक्टर पर आते हैं इट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है अ वेक्टर विच हैविंग मैग्नीट्यूड ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी Equal to unity. A vector which having magnitude always equal to unity but having a definite direction along the given vector. Along the given vector. क्या कह रहा है यूनिटी सॉरी नॉट यूनिट इट्स यूनिटी वैक्टर अक्टर विच हैविंग मैग्नीट्यूड ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी बट हैविंग अ डेफिनेट डायरेक्शन अलोंग अलोंग द गिवन हुए के उसकी डायरेक्शन होती है बट उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा होता है यूनिटी ऐसे वैक्टर को हम बोलते हैं यूनिट वैक्टर देखिए यूनिट वैक्टर को फाइंड करने या डिटरमाइन करने का जो तरीका होता है वो होता है ए कैप इज इक्वल्स टू ए वैक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वैक्टर मॉड का मतलब होगा ओनली मैग्निट्यूड ऑफ a वैक्टर मॉड का मतलब होता है ओनली magnitude में यहां लिख देता हूं गाइस मॉड ऑफ ए वैक्टर का मतलब हो गया स्क्वायर ऑफ ए एंड रूट ऑफ ए विच इज इक्वल टू ए और ए वैक्टर का मॉड अगर ए लिखते हैं तो यह सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता जिस वेक्टर के ऊपर आपको इस तरह से कैप दिख जाए क्या दिख जाए कैप जोकर की कैप होती है ना टोपी उस सेंस में जिस वेक्टर के ऊपर आपको ये कैप साइन दिख जाए इसका मतलब वो वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है कैसा वेक्टर है वो वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो था ए वैक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वैक्टर देखिए फॉर एग्जाम्पल कैसे आया ये फॉर्मूला फॉर एग्जाम्पल एक ए वेक्टर है आपके पास जिसकी वैल्यू है फाइव मीटर टुवर्ड्स साउथ फाइव मीटर टूवर्ड्स साउथ क्लियर एक वेक्टर है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है फाइव मीटर टुवर्ड्स साउथ आपको कहा जाता है कि इसका यूनिट वेक्टर आइडेंटिफाई कीजिए यूनिट वेक्टर फाइंड कीजिए यूनिट वेक्टर फाइंड कीजिए तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा गाइस ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर ए वेक्टर की वैल्यू फाइव मीटर टुवर्ड्स साउथ और अगर मैं ए वेक्टर का मॉड निकालता हूं तो मैंने क्या कहा आपको कि मॉड का मतलब होता है स्क्वायर करके रूट निकाल देना या फिर ओनली मैग्नीट्यूड लिखना तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या है फाइव मीटर विद यूनिट ठीक है ना ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है यहां पर फाइव मीटर विद यूनिट तो यहां से फाइव मीटर से फाइव मीटर आपका कैंसिल हो जाएगा और ए कैप की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है ओनली टूवर्ड साउथ तो देखिए ये जो यूनिट वेक्टर आया आपके पास इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रही इसका मैग्नीट्यूड क्या रह गया कैंसिल होकर के वन और सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया डायरेक्शन विच इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर ए कैप होता है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है और उसकी डायरेक्शन ए वैक्टर की डायरेक्शन के अलोंग ही होती है गाइस क्लियर एग्जाम्पल समझ में आएगा आपको देर फोर देअोर any vector can be represent by the multiplication multiplication of its magnitude and its unit vector किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है जैसे कि ए वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्निट्यूड ए और उसका यूनिट वेक्टर ए कैप ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए और उसका यूनिट वेक्टर ए कैप ये आपके वेक्टर की कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी ध्यान रखिएगा कैसे ए का मतलब फाइव मीटर और ए वेक्टर का, मतल, का मतलब ए कैप का मतलब टूवर्ड्स साउथ डायरेक्शन तो देखिए हमारे पास में ए वेक्टर की वैल्यू एज इट इज आ गई वापस ए वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई जो पहले थी वही एज इट इज वैल्यू बन गई क्लियर तो किसी भी वेक्टर को ध्यान रखेगा उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के मल्टीप्लीकेशन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है ऑल्सो ऑल्सो यूनिट वैक्टर यूनिट वैक्टर इज ओनली यूज्ड टू शो दायरेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर वैक्टर अ पर्टिकुलर वैक्टर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज किया जाता है यूनिट वेक्टर का बेसिक यूज यही होता है गाइस। यूनिट वेक्टर का बेसिक यूज यही होता है तो ये हो जाता है आपका यूनिट वेक्टर देख सकते हैं आप क्लियर यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा वन होगा बट उसके पास डायरेक्शन होगी अलोंग द गिवन वेक्टर और उसके ऊपर जो साइन होता है वो हमेशा कैप का साइन होता है किसका साइन होता है कैप का चलिए आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट Fourth one is orthogonal unit vectors, orthogonal unit vectors, unit vectors, can, those unit vectors, vectors which having direction along x axis comma y axis and z axis those unit vectors which having direction along x axis y axis and z axis are known as ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स। देखिए जो हमारा थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है एक्स वाई एंड जेड एक्स का मतलब क्या है अलोंग एक्स डायरेक्शन वाई का मतलब है अलोंग वाई डायरेक्शन और जेड का मीनिंग है अलोंग जेड डायरेक्शन तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को शो करने के लिए यहां पर एक यूनिट वेक्टर का यूज किया जाता है जिसे हम बोलते हैं आई कैप आई कैप वाई एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन को शो करने के लिए एक यूनिट वेक्टर का यूज किया जाता है जिसे हम बोलते हैं जे कैप और सिमिलरली जेड एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए एक यूनिट वेक्टर का यूज किया जाता है जिसे हम बोलते हैं कैप तो यहां पर ये जो आई कैप जे कैप और के कैप है ये क्या कहलाते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट यूनिट वेक्टर्स आई कैप इज़ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर हो जाएगा जे कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस और के कैप इज यूनिट वैक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस इन वैक्टर्स को कहते हैं हम यूनिट वैक्टर्स फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई वैक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है ए इज इक्वल टू फाइव मीटर अलोंग एक्स axis क्योंकि मैंने कहा था आपको किसी भी वेक्टर को हम क्या करेंगे ठीक है इस तरह से फाइव मीटर कोई वेक्टर है और जिसकी डायरेक्शन कहां है एक्स axis के अलोंग है क्लियर तो आप इस वेक्टर को इस तरह से लिख सकते हैं फाइव आई कैप फाइव आई कैप क्यों लिखा फाइव फाइव कैप फाइव का मतलब तो क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड और i कैप का मतलब हो गया यहां पर अलोंग x एक्सेस देख करके ही हम समझ जाएंगे कि ये वेक्टर किस डायरेक्शन में अलाइंड है i कैप माने x एक्सेस के डायरेक्शन में अलाइंड है क्लियर सिमिलरली कोई b वेक्टर होगा इस तरह से लिखा जाएगा थ्री जे कैप इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है 3 बट ये किस डायरेक्शन में अलाइंड है क्लियर j कैप माने y डायरेक्शन में अलाइंड है ियर और अगर किसी वेक्टर को हमने इस तरह से लिखा थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप ऐसे भी लिखा जा सकता है मतलब ये क्या है ये आई और जे के बीच में कहीं अप्लाई हो रहा है गाइस थ्री आई कैप और टू जे कैप का मतलब हो गया ये हो गया आपका वेक्टर पी इसका एक्स एक्सिस के अलोंग मैग्नीट्यूड जो है वो थ्री है और जे एक्सिस के अलोंग मैग्नीट्यूड जो है वो टू है तो यहां पर ये यह दोनों मैग्नीट्यूड थ्री अलोंग आई कैप प्लस टू अलोंग जे कैप ये हो जाएगा आपका वेक्टर पी इस वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप देख लीजिए ये हो जाते हैं हमारे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स इज इट क्लियर आई होप इट इज क्लियर चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट फिफ्थ तो जब हमने यूनिट वेक्टर्स पढ़ लिए हैं तो हम फिफ्थ वन की बात करते हैं पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर अ वेक्टर विच Shows the position of a point or a particle. A vector which shows the position of a point or a particle from origin. Point or a particle from origin are called. पोजीशन वेक्टर आर कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट या पार्टिकल की पोजीशन बता रहा हो कहां से ओरिजिन से इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे कि सपोज कर लीजिए ये एक्स है और ये वाई है कोई पार्टिकल या कोई पॉइंट आपका इस ए पर अलाइन है ए पर बैठा हुआ है ए पर सिचुएटेड है तो यहां से इसकी पोजीशन ओरिजिन से इसकी पोजीशन कौन बताएगा ये यूनिट वेक्टर ये इसका ओरिजिन हो गया इस यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं R से वेयर आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पॉइंट इस A के क्या होंगे एक्स कॉमा वाई तो ओरिजिन से इसकी पोजीशन बताने वाला जो यूनिट वेक्टर होगा इस यूनिट वेक्टर को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी आर वैक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप आर वैक्टर बिकम्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप ध्यान रखिएगा इसका x एक्सिस के अलोंग कॉम्पोनेंट होगा इसका x कोऑर्डिनेट और y एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन या कॉम्पोनेंट होगा इसका y कोऑर्डिनेट तो पोजीशन वेक्टर की जो वैल्यू हो जाएगी वो ये हो जाएगी वेयर एक्स एंड वाई आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए और आर वेक्टर का मॉड ध्यान रखिएगा क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर वैक्टर का मॉड हो जाता है गाइस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्लियर देखिए इसी तरह से यहां तक तो क्लियर है आपको ये होता है पोजिशन वेक्टर अगर हम बात करें नेक्स्ट िक्स पॉइंट की तो वो आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है डिफरेंस ऑफ टू पोजीशन वेक्टर्स डिफरेंस ऑफ टू पोजीशन वेक्टर्स आर कॉल्ड डिस वेक्टर देखिए अगर मान लीजिए आपका कोई पार्टिकल है जो कि कोऑर्डिनेट एक्सेस ठीक है टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन कोऑर्डिनेट एक्सेस में सिचुएटेड है पॉइंट ए पर और ये यहां से चल के पहुंच जाता है पॉइंट बी पर कहां से कहां तक चला पॉइंट ए से पॉइंट पर तो पॉइंट ए की पोजीशन ओरिजिन से बताने वाला यूनिट वेक्टर जो होगा पोजीशन वेक्टर जो होगा वो होगा आर वन और जब ये पॉइंट बी पर आएगा तो इसकी पोजीशन ओरिजिन से बताने वाला जो वेक्टर होगा वो होगा पोजीशन वेक्टर आर टू ए से बी तक ये जो चला तो यहां से इसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये होगा गाइस ये कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लिखते हैं आर से आर इट इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन टू पोजीशंस और पॉइंट्स क्लियर ए से बी के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया है पार्टिकल ने कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वो इनके दो पोजीशन वेक्टर से डिफाइन किया जाएगा तो यहां से देखिए पॉइंट पर इसके कोऑर्डिनेट सपोज कर लीजिए एक्स वन कॉम आई वन बी पॉइंट पर पार्टिकल के कोऑर्डिनेट एक्स टू कॉम वाई टू तो आर वेक्टर यहां पर हो जाता है वेक्टर वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका बन जाता है आर टू वैक्टर माइनस ऑफ आर वन वेक्टर आर टू की अगर मैं वैल्यू यहां पुट करूं तो ये हो जाएगा एक्स टू वाई कैप प्लस वाई टू जे कैप माइनस एक्स वन आई कैप्लस एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप, आर वन वैक्टर क्या हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप आपका डिस्प्लेसमेंट वैक्टर हो जाता है एक्स टू आई आई वाली, वाली वैल्यूज एक तरफ जे जे वाली वैल्यूज एक तरफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू इस फॉर्मूले से आती है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मॉड हो जाता है वो बन जाता है x2 टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 टू माइनस वाई का होल स्क्वायर क्लियर टेंथ क्लास में डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का यही फॉर्मूला होता है तो यहां पर भी यही फॉर्मूला जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को शो करता है गाइस देख लीजिए इसको शो करता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को शो करता है क्लियर ये कुछ टाइप्स थे वेक्टर के कुछ टाइप्स अभी और भी हैं, क्लियर और उसके बाद में हम आगे चलेंगे रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स कैलकुलेट करने के लिए तो यहां तक की बात आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी आज की क्लास हम यहीं पर एंड करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे गाइस तब तक के लिए ठीक है बी एट योर होम बी से पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए और जागृति क्लासेस के साथ में अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रखिए क्लियर थैंक यू गाइज हैव अ नाइस डे थैंक यू